पंचायती राज चुनावों के दूसरे चरण में जिला सोलन की 82 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हुआ, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या 1,14,362 रही। करीब 58,235 पुरुषों एवं करीब 56,127 महिलाएं मतदान कर भविष्य के लिए पंचायत का नेता चुनेंगे। चुनावी बेला में जिला सोलन में पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिला है। जहां पहली बार मतदान कर रहे मतदाताओं में उत्साह दिखा, वहीं बुजुर्ग भी लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचे व अपनी वोट रूपी आहुति दी। पंचायती राज संस्थाओं में चुनकर आने वाले प्रतिनिधियों को भी समझना चाहिए कि बुजुर्ग दूसरों का सहारा लेकर उन्हें सहारा देने आए हैं, इसी उद्देश्य से कि वह उनकी पंचायतों को प्रगति की ओर ले जाकर सर्व सुविधाओं से संपन्न करें। मैंने फर्स्ट टाइम वोट डाली है, मेरे को वोट डाल के अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि जो भी जीते वो हमारी पंचायत का विकास करे और अच्छे से कार्य करे। सर हमारे गांव में जैसे सर के रास्ते वो सर्व संचाते कि हमारे इसमें से पूरी हो। मैं सर चाहती हूँ कि हमारे काम सब ठीक होने चाहिए हो, सड़कों काम ठीक होने चाहिए हो। और मेरी इतनी उम्र होगी 70 साल जी, और मैं जब से यहाँ रहती हूँ तब से वोट डालिए। हम लोकतंत्र के लिए वोट डालने आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे उम्मीदवार जीत के आए और अच्छे अच्छे काम करें और सफल बनाएं सबको और सबके नाम रोशन करें, इलाके का नाम रोशन करें। उज्ज्वल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।